हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कन्या लग्न में शुभ रत्न। हमारी जो सीरीज चलती आ रही है, जो पहले भी हम बाकी लग्नों में डिस्कस करते आए हैं कि उनके लिए कौन कौन से शुभ रत्न हैं, वैसे ही आज हम करेंगे कन्या लग्न के लिए। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लग्न कन्या है? आप अपनी जन्म कुंडली उठाएंगे तो देखेंगे उसके पहले घर में आपको एक नंबर लिखा मिलेगा, वो मिलेगा 6, 6 नंबर। अब इसका जो लॉर्ड बनता है, स्वामी बनता है, वो बनता है बुध। बुध माना मरकरी। अब दोस्तों, ये जो कन्या लग्न वाले लोग होते हैं, ये बड़े शार्प माइंड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। आपको राइटर मिलेंगे, आपको ये एनालिसिस करने वाले लोग मिलेंगे, आपको इनकी थिंकिंग बड़ी ही लॉजिकल मिलेगी, और ये जो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशंस में सट्टा लगाने में, इन चीज़ों में आपको एक्सपर्ट मिलेंगे लोग। बैंकिंग में एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, ये लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस का यूज़ होगा, आपकी बुद्धि का यूज़ होगा, वहाँ पे ये लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। अब दोस्तों, फिर भी कुंडली की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कई बार कि उसके अंदर बहुत से ग्रह होते हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट गलत है तो उसकी वजह से भी आपको एक इस लगन वाले को जो वो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बाहर आने में दिक्कत होती है, या वो चीज़ें विजिबल कम होंगी, और उनकी बाकी जो लाइफ के जो एरियाज़ हैं, चाहे वो हेल्थ है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, एजुकेशन है, चाइल्ड है, करियर है, और फोन मनी को लेके है, या प्रॉपर्टी को लेके है, तो कुछ भी जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं दूसरे घरों का कहीं रोल है और उसकी स्थिति खराब है, इस वजह से जो परिणाम हम चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे। तो हम उपाय के तौर पर रत्न भी प्रयोग करते हैं। अब रत्न प्रयोग करते समय कुछ सावधानियाँ होती हैं। आप ऐसे बिना किसी से कंसल्ट किए आप उठाए और कोई रत्न डाल लें, ये बहुत गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको नुकसान हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं आपको अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको कौन से रत्न सूट करेंगे, आपको कौन से पहनने चाहिए, आप उन पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रत्न तो ये हो गया इन लोगों के लिए पन्ना। पन्ना इन लोगों के लिए बहुत शुभ है और लाइफ टाइम पहनना चाहिए। इनकी हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है पन्ना। पन्ना क्योंकि इस लगन वालों के फर्स्ट हाउस को और 10th हाउस को रूल करेगा, 10वां और पहला घर। पहला घर आपकी पूरी पर्सनैलिटी के लिए है। आपकी आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी अगर ब्रेन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी बोली में मिठास आ जाएगी। आपको कोई नर्व्स की जो प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपके छोटे बहन भाइयों से, उनसे रिश्ते सुधरेंगे। जो आपकी छोटी बहनें हैं, मौसी है, मामी है, उनसे भी संबंध सुधरेंगे। और आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, तो आपको उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। आप ऐसी जॉब में हो जो स्टॉक मार्केट में हो, या कैलकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस है, इस तरह की चीजें हैं, उनमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और करियर वाइज जो है, इनकी जॉब, चाहे जॉब में हो गवर्नमेंट में या प्राइवेट जॉब में हो, या फिर ये बिजनेस करे, जो भी करे, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे अगर ये पन्ना पहनते हैं तो। अब तो अपनी कुंडली में देख लीजिए आपका बुध की क्या स्थिति है, फिर भी आप पन्ना पहन सकते हो बेझिझक होके। दोस्तों, अगला जो रत्न आता है वो है इस कुंडली में माणिक्य। दोस्तों, माणिक्य इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी बनता है। वो खर्चे का भाव है, वो बदनामी का भाव है, वो व्यर्थ की यात्राओं का भाव है, वो आपके समाज में बेइज्जती का भाव है, आपकी जेल यात्रा का भाव है, मौत का है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल, कोर्ट, कचहरी, वो इनका है। तो इसमें आप, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप इसमें माणिक्य मत पहनिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये किसी भी एंगल से शुभ नहीं रहेगा। कुछ भी स्थिति हो, आपको माणिक्य अवॉइड करना है, ये मेरा आपको एडवाइस है। दोस्तों, अगला रत्न इस कुंडली में आता है वो है मोती, पर्ल, वाइट पर्ल। अब मोती को लेके क्या है, इस लगन में मोती फायदा करेगा। मोती फायदा ऐसे करेगा क्योंकि वो स्वामी बनेगा 11वें भाव का। अब 11वें भाव का स्वामी बनेगा तो वो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं, जीवन में जिस उसे आप लाभ होने की उम्मीद कर रहे हैं, और ज्यादा लाभ होता है, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके बच्चे हैं, या चाहे आपको एजुकेशन से लाभ है, या आपको करियर में किसी चीज़ से लाभ है, वो सब चीज़ें आपकी मून से देखी जाएंगी। तो अगर मोती आप पहनते हैं, आप सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी बनवाकर राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में आप मोती की रिंग डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी रहेगी। आपको मेंटल पीस भी देगी, आपकी थिंकिंग भी बड़ी लॉजिकल हो जाएगी, और आप बिल्कुल शांत फील करेंगे। और दूसरा चीज़, आपके साथ माँ के साथ भी आपके संबंध सुधरने लगेंगे, और अगर आपको चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको मेरा एडवाइस है, पहनना चाहिए, बेझिझक पहनना चाहिए। दोस्तों,
अब अगला स्टोन जो आता है इस लगन वालों के लिए वो है हीरा, जो कि शुक्र का है। हीरा बहुत महंगा स्टोन है। आप दूसरा स्टोन पहन सकते हो सफ़ेद पुखराज, या फिर आप पहन सकते हो वाइट ऑपल। तो दोस्तों वाइट ऑपल उपरतन है और जो सफ़ेद पुखराज है वो रत्न है। हीरा बहुत महंगा है, अगर जो आपका अलाउ करता है आप वो पहनिए। लेकिन शुभ है अशुभ है वो बता देता हूँ आपको, ये इस लगन वालों के लिए बेहद शुभ है, उनको पहनना चाहिए, क्योंकि ये सातवें का दूसरे का लॉर्ड बनेगा, आपके भाग्य को संवारेगा, रुके हुए काम बनेंगे आपके, आपका फाइनेंस सुधरेगा, आपके परिवार के संबंध सुधरेंगे, समाज में आपके रिलेशन सुधरेंगे, और दूसरा आपका रुका हुआ पैसा है वो आएगा, आपके नए इनकम सोर्स बनेंगे, आप कि किस्मत एकदम चमक उठेगी अगर आप ये स्टोन पहनते हो। तो ये स्टोन मेरे एडवाइस ये है आपके लिए बहुत सुटेबल है, आपको पहनना चाहिए। अच्छा, आप अच्छी क्वालिटी का स्टोन लें, लैब टेस्टेड लें, और आप ये जो पहनना चाहें, जो डायमंड है या सफ़ेद पुखराज पहने, ये चांदी की या गोल्ड की आप रिंग बनवा लीजिए, उसको रिंग फिंगर में फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में आप पहन सकते हैं, लेडीज़ लेफ्ट फिंगर में पहन लें तो आप निश्चिंत होकर पहने। दोस्तों अगला जो रत्न बनता है इस कुंडली में वो बनता है नीलम। नीलम यहाँ पे पांचवें और छठे का वो स्वामी बनेगा, लेकिन वो रिजल्ट पंचमेश का ही देगा। तो पंचमेश जब यहाँ पे है, यश है, पुण्य है, आपका समाज में सम्मान है, आपकी शिक्षा है, आपकी संतान की तरफ से है, आपके रिलेशन है, आपके अफेयर्स हैं, आपका लव है, आपके जो आपकी प्लानिंग्स हैं या आपकी इच्छाएँ हैं वो सब पूरी करेगा यहाँ पर नीलम। तो नीलम इस रत्न वालों के लिए बहुत शुभ है, इस लगन वालों के लिए। और दूसरा, उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और या उनको कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही थी, उनका कर्जा बढ़ रहा था, इनकम के रास्ते सब ब्लॉक हो गए थे, वो सब रास्ते खोल देगा, सब चीज़ों में बेनिफिट देगा, और दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। जो आपको दुश्मन परेशान कर रहा था, आपको बार बार परेशान करने की जो कोशिश करता है, उसमें तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो नीलम आपको ज़रूर पहनना चाहिए। दोस्तों अगला है इसमें पुखराज। अब दोस्तों पुखराज इस लगन वालों के लिए, पुखराज के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा आप मत पहनिए, क्योंकि वो इसमें फोर्थ का और सेवन्थ का लॉर्ड बनता है। फोर्थ का मतलब क्या है, अगर आप ये पहनते हो तो आपको क्या रिजल्ट आएंगे, आपके घर में टेंशन्स बढ़ जाएंगे, आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी आपके पार्टनर के साथ आपकी समस्या खड़ी हो जाएंगी, आपकी पत्नी के साथ आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, बच्चों को लेकर आना बच्चों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपके करियर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और इवन आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए या घर में कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए या मिस हैपनिंग हो जाए जिससे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या आपको कोई कोर्ट वगैरह में चक्कर लगाने पड़े, आप फाइनेंशियली पूरी तरह बर्बाद हो जाओ और आप फिजिकली भी बर्बाद हो जाओ और आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो प्लीज़ आप पुखराज इस लगन में गलती से भी मत पहनिए, आप बिल्कुल अवॉइड करिए। राहु के संबंध में जहाँ तक गोमेद की बात है, गोमेद आप पहन सकते हो, बाकी ग्रहों की स्थिति देख के आप गोमेद शुभ रहता है इस लगन वालों के लिए, लेकिन फिर भी आप अच्छे से कुंडली एनालिसिस करवा के फिर ही पहने। एनालिसिस होने के बाद पता चलेगा आपको कि राहु की एग्जैक्ट स्थिति क्या है और वो आपको क्या परिणाम देगा, उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आप राहु का गोमेद भी पहन सकते हैं, लहसुन या इस लगन के लिए अवॉइड है, बिल्कुल भी नहीं पहनना, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप बिल्कुल, मैंने स्टोन बताए हैं, आप मोती पहन सकते हो, हीरा पहन सकते हो, नीलम पहन सकते हो, पन्ना पहन सकते हो, माणिक्य नहीं पहनना, पुखराज नहीं पहनना, मोती पहन सकते हो, और एक है मूंगा। मूंगा तो इस रत्न वालों को बिल्कुल भी नहीं पहनना, वो अष्टमेश का रिजल्ट देगा। अष्टमेश माना मौत का घर है, वहाँ पे आपके छुपे हुए शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे, आपको ऐसी कोई बड़ी चोट दुर्घटना हो जाए, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपके कोई इतने बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि आपके कोई शरीर का अंग भंग भी हो सकता है, कोई अंग खराब हो जाए, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, या फिर आपको कोई वैसे ब्लड की प्रॉब्लम हो जाए, बीपी हो जाए, आपको कोई सीरियस स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, ये आपके साथ हो सकता है अगर आपने रेड कोरल पहना। तो मूंगा इस लगन वाले भूलकर बिना पहले, क्योंकि वो बुध का भी शत्रु है, लग्नेश का भी शत्रु है, और वैसे भी अष्टम का स्वामी बन रहा है, तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको मूंगा भी नहीं पहनना है। और जो भी रत्न पहने आप हमेशा एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, अपने पंडित से, अपने ज्योतिष से, प्रॉपर कुंडली दिन को दिखाने के बाद ही रत्न धारण करें। अपनी मर्जी से आप कोई भी रत्न धारण ना करें, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। और रत्नों को भी कॉम्बिनेशन होते हैं, आप कौन सा रत्न किसके साथ पहन सकते हो, आप नीलम के साथ पन्ना या हीरा पहन सकते हो शुभ है, लेकिन पुखराज या माणिक्य या मोती ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये सोच समझ कर पहनना चाहिए।
आप कोई अशुभ गृहकर्तन भी पहन सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। तो कंक्लूजन ये निकला ना कि आपके जो ग्रह स्थिति है कुंडली में उसके अकॉर्डिंग आपका जो जेमस्टोन है, जो रत्न है, वो डिसाइड होगा, फिर उसके आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसे वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों।